पार्क साइन बोर्ड लगा हुआ, ये नेशनल पार्क। तो ये शारजा नेशनल पार्क है, इसमें दाखिल हुआ हूँ। साथ में मस्जिद है, ये ट्रेन है जो आपको अंदर घुमा सकती है। शारजा नेशनल पार्क कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है इन शारजा। तो मुझे तो पता नहीं था, मैंने कहा विज़िट करते हैं। तो कहते हैं बारबेक्यू भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम तो उस पार्क में जाते थे, कुरानी पार्क। तो ये फर्स्ट टाइम इस पार्क में हम लोग जाएंगे, तो चेक करते कैसा पार्क है। देखने से बहुत लंबा लग रहा है, मतलब चौड़ा नहीं, लंबाई में लंबा लग रहा है। गुरालियाँ भी घूम रही हैं, देख रहे हैं आप। तो वही तो बंद हो गया। तो ये नेशनल पार्क है, कहते हैं कि शारजा का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है। तो मैंने कहा मैं भी आके ज़रा विज़िट करके चेक कर लूँ कि ये कैसा पार्क है, आप देख लें। नेशनल पार्क है वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क, पानी भी ऑन है। तो मौसम जो है थोड़ा बेहतर होना चाहिए अंदर, तो सही है मौसम। लेकिन गर्मी तो है, ऐसी बात नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये पार्क का मज़ा ले लें। ये देख, ये पार्क है शारजा का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क कहते हैं। ये बच्चों खेलने का बना है, झूले बनाए हैं वहाँ पे बच्चों का, सारा बच्चा है एंटरटेनमेंट के लिए। और ये जो है ये सारा पार्क है। आप वहाँ पे आगे जाएंगे तो कोई बारबेक्यू का भी प्लेस बना है। अच्छा, यहाँ से आपको जहाज़ भी आके देखेंगे, शारजा एयरपोर्ट है वो भी करीब है, इस साइड पे शारजा का, तो उसमें जहाज़ भी आपको देखेंगे। अच्छा, मैं वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर था जो आया, मैं जो था वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर। तो मैं अकेले ही हूँ अभी यहाँ पे, और परिंदे हैं मेरे साथ, मैं और परिंदे। कब्बे बहुत हैं, कब्बे की कबों की तादाद ज़्यादा है, कबों का मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा रूल है। तो देखते हैं कब्बों क्या करते हैं। तो ओहो, खतरनाक हो गए कब्बे अचानक से, कब्बों का कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है मुझे। हैं, देखा है ऊपर जाली लगी हुई है, पूरी छाँव नहीं है लेकिन छाँव है। अरे सूरज भी पूरा नहीं निकला, मैं सूरज तो पूरा ही है। तो ये इस तरीके से कव्वे जो हैं वो थोड़ा एक्टिव हुए हैं, कव्वे उनका मामला थोड़ा सख्त है कब्बों का। तो इस तरीके से तो ये है, कहलाता है शारजा नेशनल पार्क। पार्क का नाम शारजा नेशनल पार्क। तो ये इस तरीके से है, खजूरें लगी हुई हैं इसमें दरख्तों में। सफाई सफाई का निज़ाम तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, क्योंकि ये सिस्टम तो बड़ा अच्छा है। तो ये देखें, ये यहाँ ये बारबेक्यू करने की जगह है यहाँ की। तो इस तरीके से है ये पार्क। तो ये कव्वे मेरे पीछे लगे हैं, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। देखें जरा तो अच्छी, देखिए ये बारबेक्यू की जगह है, देखें देखें ये बारबेक्यू की जगह है इस तरीके से। और बस ये है सारा। तो मैं आपको भी आगे जाके दिखाता हूँ और कोई डिस्कवर होती है जगह या कोई मिलती है तो फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो बस मैं ये एंड तक पहुँच गया था यार, देखिए पूरा यहाँ से मैं पूरा वॉक करता हूँ उस कोने से इस कोने पे पहुँच गया। अभी ये सामने पार्क है और ये पहाड़ माउंटेन है। इस माउंटेन के ऊपर मैं चढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या व्यू आता है। तो फिर मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ये जो है ये मैप है,
पार्क का मैप तो मेरे को नहीं लग रहा, ये कहाँ का मैप है, वर्ल्ड मैप लग रहा है मेरे को। तो अभी ये मैं ओहो ये तो पानी में लथपथ हुआ अभी, तो ऊपर चढ़ तो रहा हूँ मैं लेकिन ये पानी में लथपथ हुआ अभी इस टाइम पे चप्पट चप्पट कर रहा है। तो ऊपर जाके मैं 360 व्यू पकड़ता हूँ एक और बस फिर वापस चलेंगे, क्योंकि ये पार्क लंबा है चौड़ा नहीं। ये 360 व्यू आप देख लो, ये 360 व्यू है, वो पूल बनाया हुआ उन्होंने कुछ, तो इस तरीके से है ये पार्क। ये देख रहे 360 व्यू देखें यहाँ का, और वहाँ पे एयरपोर्ट है। तो बस आगे इसी तरीके से जाता रहेगा पार्क, तो मेरे ख्याल में मुझे निकलना चाहिए बस। पार्क को रिसर्व कर दिया, सही अच्छा पार्क है लेकिन बस वो ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन ये कि पार्क तो अच्छा है, बंदा आए इंजॉय कर सकता है। तो आई थिंक निकलना चाहिए वापसी का रास्ता पकड़ना चाहिए। जहाज़ की आवाज़ें आ रही हैं आपको, ये जहाज़ यहाँ से उड़ेंगे, इस तरफ है एयरपोर्ट, इधर एयरपोर्ट है, जहाज़ उड़ भी नहीं रहा वरना आपको दिख जाएगा क्लियर कट। तो बस अभी नीचे उतर रहा हूँ, वापसी की तरफ निकलते हैं, क्योंकि ये बस इसी तरह से पार्क है ये डिस्कवर करने के लिए, और आगे जाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो ये है शारजा नेशनल पार्क, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क ऑफ शारजा। आगे बंद भी लग रहा है मेरे को, लेकिन जाने का फ़ायदा नहीं। ये इस तरीके से बारबेक्यू भी बनाया हुआ है इन्होंने, ये बारबेक्यू का प्लेस बनाया हुआ है इन्होंने, अब बारबेक्यू करो बैठ के, बहुत सारे बनाए हुए। ये बारबेक्यू का प्लेस है, सारी जालियाँ सड़ गई हैं इसकी, इसके अंदर आप कोयले रख के ऊपर जला के इस तरीके से बनता है, समझिएगा। तो ये है, मैं हमें आगे कुछ है नहीं, ऐसा फ़ायदा नहीं जाने का, मुझे तो क्लोज ही लग रहा है। तो ये शारजा पार्क आपको मैंने नेशनल पार्क दिखा दिया, शारजा नेशनल पार्क था ये। आए यहाँ पे बारबेक्यू करें, मौजा करें, और अभी तो गर्मियों का सीज़न है, समर का टाइम, अभी हम लोग जुलाई मंथ में हैं, वीडियो अपलोड करते करते विंटर आ जाएगा मेरे को लग रहा है, तो उस टाइम तो आप आ सकते हैं। ये वॉशरूम बनाए मेरे, ये वॉशरूम है, तो अपलोड करते करते विंटर आ जाएगा, फिर विंटर में आप और इन्जॉय करें आके, लश ग्रीन ग्रास है यहाँ पे, देखें अच्छा इंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। तो आप आएँ डिस्कवर करें और इन्जॉय करें फिर उसी लिहाज से, ठीक है ना। तो बस अभी मैं चलता हूँ वापस, तो कुछ और मिलेगा तो डिस्कवर होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन अभी यही आई थिंक, इसके ज़्यादा मेरे को कुछ ऐसा दिखता नहीं है कुछ डिस्कवर करने का, ठीक है ना। मैं घास से वॉक करता हुआ जा रहा था, तो ये मैंने कहा आपको और दिखा दूँगी यहाँ का, कैसे लश ग्रीन ग्रास है, और वो आगे पानी देखें, पानी दे रहे हैं घास को, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, माली की ज़रूरत नहीं है पानी देने की, हर जगह लगा होता है,
तो पानी ऑटोमेटिकली निकल के दरख्तों को मिल जाता है। और ये देखिए खजूरें लगी हुई हैं, ये खजूरें लगी हुई का तोड़ के खा सकते हैं, बड़ी सख्त गर्म होती हैं। अच्छा जहाज़ की मुझे आवाज़ भी आ रही है, किधर है जहाज़? वो जा रहा है, वो पता नहीं आपको दिखता है, नीचे से जा रहे हैं। इतना नहीं दिखेगा रीज़न वाई के वो बहुत नीचे चला गया तो। पर ये देखें, ये सारा डिस्कवर कर रहे हैं हमें, हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं सारा पार्क, शारजा पार्क, शारजा नेशनल पार्क। तो इस तरफ ये है, इस तरफ भी है, आगे पानी दे रहे हैं। तो ये सारा है, इसको कहते हैं शारजा नेशनल पार्क। ये शारजा नेशनल पार्क है। तो बस लोग यहाँ के एंजॉय करते हैं। वो एक हट बनाया हुआ छोटा सा, तो ये सारा है देखें, शेड के अंदर चलता हुआ जा रहा हूँ मैं, शेड के अंदर चलता हुआ जा रहा हूँ। तो गुलहरी है, वो अपनी चीखें मार रही है, गुलहरी अपनी परेशान है। वो कव्वे भी में आ गए हैं, तो कव्वों से बचने के लिए मुझे लगता है मुझे उस साइड पे जाना पड़ेगा, कव्वों की टेरिटरी में वापस से जा रहा हूँ मैं। तो वो कभी भी सर पे अटैक कर सकते हैं कभी, तो उनसे बचने के लिए रुख जो है मैंने थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, मैं आगे से रुख जो है चेंज कर देता हूँ। मुझे उस लग रहा है उस दरख्त में कोई लफड़ा है, उसके कुछ कव्वे के बच्चा बच्चा गिर गया है और वो गुस्से में घूम रहे हैं दरख्तों का। तो उनसे अवॉइड करते हैं उनको, क्यों उनको तंग करें, हम तो तंग करना ही नहीं चाहते। ये लिखा हुआ है शारजा नॉट पार्क कैफेटेरिया, नेशनल पार्क कैफेटेरिया, नॉट पार्क नहीं, नेशनल पार्क लिखा, नॉट पार्क कहाँ से आया, अजीब बात है। तो ये कब्बों को मैं अवॉइड करता हुआ मैं इस साइड पे आ गया हूँ, तो कब्बों से बचना भी ज़रूरी है, कब्बे जो है खा जाएंगे, सोचे मार 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 मार, ठीक है। टीटी टीटरी भी है, तो गर्मी तो वाकई में सख्त है थोड़ी, लेकिन गर्मी भी लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, सुबह की गर्मी है, सुबह की गर्मी तो ले सकते हैं, ठीक है, शाम की गर्मी, दोपहर की गर्मी। तो अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, मैं पहला बंदा हूँ जो अंदर आया हूँ 8 बजे, तो बस मैं बाहर निकल रहा हूँ कब्बों से बचता बचाता। तो ये सारा नेशनल पार्क था, मैंने आपको दिखा दिया, ये सारा नेशनल पार्क था। यहाँ बारबेक्यू कर सकते हैं, बच्चों के खेलने की जगह है, बैठने की रेस्टिंग जगह है, सब कुछ जगह है, लेकिन विंटर में आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत है, अगर हवा चल रही हो तब भी आ सकते हैं, अदरवाइज ह्यूमिडिटी बहुत है, ह्यूमिडिटी को मैनेज कर सकते हैं तो सही है, नहीं कर सकते तो ना। लेकिन बच्चों का पसीना निकालना भी बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों को ले गए उनके पसीना निकालें, उनको एक्टिव बनाएं, भगाएं उनको पार्क में, जितना भगा सकते भगाएं। तो बस ओए ओए पानी का मैंने छींटा भी मुंह पे मार दिया, कैमरे पे भी आ गया, ठीक है। चले बस सही, फिर ये तो नेक्स्ट पार्ट आ गया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ।